हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो मेरे भाई लोग, कल के स्मैकडाउन को देखते हुए क्या कुछ हो सकता है समर स्लैम में, और साथ ही साथ क्या समर स्लैम में सोलो सिक्स और रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर रोमन रेंस ने अटैक नहीं किया था जेई उसो पर और सोलो सिकुआ को भी मना कर दिया था। और फिर इसके पीछे का रीजन आ चुका है कि रोमन रेंस बिल्कुल नहीं चाहते हैं समर स्लैम वाले उस मैच से पहले जेई उसो के ऊपर किसी भी तरह का अटैक हो। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि रोमन रेंस ने सोलो सिकुआ को मना कर दिया जी यूसो पर अटैक करने से। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो रोमन रेंस का समर स्लैम में जी यूसो के साथ मैच होने वाला है, वो ना कि सिर्फ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, बल्कि इसके साथ ही ये एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच भी है। फ्रेंड्स, ट्राइबल कॉम्बैट का मतलब होता है कि जो रेसलर भी इस मैच को विन करेगा वह हमारा अगला ट्राइबल चीफ बनेगा। तो रोमन रेंस ना कि सिर्फ इस मैच में अपने अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के दांव पर लगा रहे हैं, बल्कि वो अपने ट्राइबल चीफ वाले ओहदे को भी दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैच को हम सब जानते हैं कि जे यूसो नहीं जीतने वाले हैं, बल्कि रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैच के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हमारे सोलो सिकुआ है वो जाकर रोमन रेंस पर अटैक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हमने कुछ स्मैकडाउन में ऐसा भी देखा है कि हमारे सोलो सिकुआ रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले मालिक को देखते रहते हैं। फ्रेंड्स, कल के भी स्मैकडाउन पर सोलो सिकुआ ने रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले मालिक को लगातार घूरते रहे थे, और जेई उसो जिमी उसो ने भी ये बात कहा था कि हमारा ट्राइबल चीफ नया वाला सोलो सिकुआ बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम में जेई उसो को हराने के बाद रोमन रेंस का सामना सोलो सिकुआ से हो, और साथ ही साथ उनसे वो फाइट करे अपने ट्राइबल चीफ के मालिक के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा भी रूमर्स आया था कि रेसलमेनिया 40 में जो हमारे रोमन रेंस है उनको सोलो सिकुआ ही हराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि रोक नहीं तो सोलो सिकुआ ही सही रेसलमेनिया 40 में सोलो सिकुआ रोमन रेंस को हरा दें। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रूमर्स ऐसे आए हैं। और फ्रेंड्स, WWE में कुछ ऐसे भी रेसलर नहीं बचे हैं जिनको रोमन रेंस ने अपने टाइटल रेंज में ना हराया हो। और फ्रेंड्स, सोलो सिकुआ ऐसे रेसलर हैं जिनको उन्होंने नहीं हराया है। तो फ्रेंड्स, ये बात पूरे 80% कन्फर्म है कि सोलो सिकुआ ही वो रेसलर होने वाले हैं जो कि रोमन रेंस को हराएंगे। और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि यार सोलो सिकुआ ही हराने वाले हैं रोमन रेंस को इस बार के रेसलमेनिया 40 में? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।